बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। आज भी मैंने कुछ अभिक्रियाएं लिया हुआ है बच्चों, और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो कंपाउंड है निम्नलिखित को कैसे बनाओगे आप, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले बच्चों देखिए, हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है क्लोरोफॉर्म से हमको क्लोरीटोन बनाना है, तो क्लोरोफॉर्म से हम क्लोरीटोन कैसे बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया बच्चों क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है क्लोरोफॉर्म से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, और इसके बाद मैंने लिया बच्चों एनिलीन से हम क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, या जो सेंडमेयर अभिक्रिया है ये मैं आपको एक्सप्लेन करना करके देना चाहूंगा। तो बच्चों ये सभी अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मैंने ये सारी अभिक्रियाएं आपके सामने लिया हुआ है। बच्चों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा जो आज का पहला पॉइंट मैंने लिया क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म लिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का जो अणु सूत्र है वो था CHCl3। बच्चों CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है जिसको मैंने इस तरह से उसके संरचना सूत्र के रूप में लिखा हुआ है। और बच्चों ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन, ठीक है। बच्चों क्या होगा, एसीटोन में ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, जबकि कार्बन का परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और संघनन की अभिक्रिया के द्वारा ये कंपाउंड जो बनेगा, इस कंपाउंड को हम क्या बोलने वाले बच्चों, ये कंपाउंड कहलाएगा क्लोरीटोन। यानी ये जो कंपाउंड आप देख पा रहे हो ना आपके सामने बना हुआ है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्लोरीटोन। तो बच्चों ये कंपाउंड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म से आप क्लोरीटोन कैसे बनाओगे, तो क्लोरोफॉर्म से जो क्लोरीटोन है वो इस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से याद रखिए कि क्लोरोफॉर्म पर जब आप एसीटोन, है ना, डाइमेथिल कीटोन की अभिक्रिया करते हैं तो उससे क्या बन जाता है, क्लोरीटोन बन जाता है। बच्चों अगली अभिक्रिया पर चलेंगे, और अगली अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। बच्चों हमको क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाना है, तो मैंने यहां पर एक अणु क्लोरोफॉर्म का ये लिया हुआ बच्चों, और दूसरा अणु क्लोरोफॉर्म का ये लिया हुआ है, जबकि मैंने 6 अणु यहां पर आप देख सकते हैं तीसरे यौगिक के रूप में लिया हुआ है, वो सिल्वर, है ना, सिल्वर के 6 अणु लिए। बच्चों क्या होगा, यहां पर 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, फिर ये 4, 5 और ये 6, तो 6 क्लोरीन को मुझे 6 सिल्वर के परमाणुओं से रिएक्ट करा के क्या करना है, रिमूव करना है। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर 6AgCl, ठीक है, का जो मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा, यहां से 6 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और यहां से 3 क्लोरीन, 6Ag सिल्वर के मॉलिक्यूल से क्रिया कर लेंगे, और ये 6AgCl सबसे पहले क्या कर लेंगे बच्चों, बनाकर अलग हो जाएंगे। शेष आपके पास बचेगा ये वाला भाग CH, और यहां से बचेगा ये CH। तो बच्चों ये CHCH एक दूसरे से जुड़ेगा, और उसकी वजह से जुड़ने से हमको जो कंपाउंड मिलेगा ये कंपाउंड कहलाएगा एसिटिलीन, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी है, ठीक है। इस तरह से हम क्लोरोफॉर्म से क्या भी बना पाएंगे बच्चों, एसिटिलीन बना पाएंगे। अच्छा अगला जो इक्वेशन है, अगला इक्वेशन है क्लोरोफॉर्म से पिक्रिक अम्ल। तो क्लोरोफॉर्म से पिक्रिक अम्ल अपन कैसे बनाएंगे बच्चों, मैंने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म लिया हुआ है, और उसको HNO3, है ना, HNO3 के साथ अपन क्या कर रहे हैं, उसको केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों HNO3 का जो OH वाला भाग है वो क्लोरोफॉर्म के H वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा, और सबसे पहले ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, अपने में से एलिमिनेट कर देगा, वाटर का अणु निकल जाएगा। शेष जो पद होंगे ये एक दूसरे के साथ पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और यू इनसे इनके जुड़ने से बच्चों जो एक नया कंपाउंड अब आप देखोगे, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे पिक्रिक अम्ल। बच्चों ये अभिक्रिया भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि क्लोरोफॉर्म से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे, जैसा कि पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे बनाओगे, इसी तरह से ये तीसरा वाला जो पॉइंट है क्लोरोफॉर्म से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों अगली अभिक्रिया पर चलते हैं, और अगली अभिक्रिया हमारी है सेंडमेयर अभिक्रिया। बच्चों ये एक नाम अभिक्रिया भी है सेंडमेयर। इस अभिक्रिया में बच्चों हमने सबसे पहले ये कंपाउंड लिया हुआ है बेंजीन डायोजिनियम क्लोराइड, ठीक है। बच्चों बेंजीन डायोजिनियम क्लोराइड को हमने क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ इसको केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, और यहां पर हमने उत्प्रेरक लिया हुआ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बच्चों हाइड्रोजन ब्रोमाइड के प्रेजेंस में जब क्यूप्रस ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेंजीन डायोजिनियम क्लोराइड के साथ, तो ये केमिकली रिएक्ट करके यहां से ये दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है ये सबसे पहले क्या हो जाएंगे बच्चों, एलिमिनेट हो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे। इनके निकलने से केवल ये ब्रोमीन जो है ये इंटरचेंज हो जाएगा, और ये जाकर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली एसोसिएट हो जाएगा, जबकि जो कॉपर है वो एक्स्ट्रा इस हेलोजन को अपने साथ लेकर क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया एनिलीन से
एनिलीन से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। मैंने इसको सेंड में अभिक्रिया के रूप में इसलिए बताया ताकि यहां पर एक नाम अभिक्रिया भी हमारी कंडक्ट हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया, एक नाम अभिक्रिया को समझा और ये चारों अभिक्रियाएं मैंने आपको एक के बाद एक आपको पद अनुसार एक्सप्लेन की। बच्चों सबसे पहली अभिक्रिया मैंने आपके सामने रखा था क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन का निर्माण, मैंने आपको इक्वेशन दिखाया। मैंने आपको दूसरी अभिक्रिया बताया, ठीक है, दूसरी अभिक्रिया मैंने आपको बताया, देखिए एक बार वापस जल्दी से रिकॉल कर देता हूं ये सारी अभिक्रियाएं। बच्चों दूसरी अभिक्रिया में मैंने आपको बताया क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन का निर्माण, ठीक है। बच्चों तीसरे पद में मैंने आपको बताया क्लोरोफॉर्म से पिक्रिक अम्ल का निर्माण, और मैंने आपको अगले जो पद मैंने चौथा और अंतिम पद लिया था एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों एनिलीन से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, इस तरह से बनाने के लिए जो अभिक्रिया वो एक नाम अभिक्रिया भी है जो कि सेंडमेयर अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है, और वो भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। बच्चों इन अभिक्रियाओं को अगर आप देख रहे हैं तो जस्ट एक बार वापस आप देख भी सकते हैं कि मैंने यहां पर सबसे पहले क्या किया था, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ केमिकली रिएक्ट किया था और मैंने सबसे पहले क्लोरीटोन बनाया था। बच्चों दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया था, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाने के लिए दो अणु मैंने क्लोरोफॉर्म के यूज किए थे और उनको 6 सिल्वर के मॉलिक्यूल से मैंने रिएक्ट कराया था, और सबसे पहले 6 AgCl एलिमिनेट कर देने के बाद हमारे पास जो शेष कंपाउंड था वो एसिटिलीन इस तरह से हमने प्राप्त किया था। बच्चों इसके अलावा मैंने आपको तीसरे पद में क्लोरोफॉर्म से पिक्रिक अम्ल का निर्माण दिखाया, और मैंने आपको बताया बच्चों की क्लोरोफॉर्म से जब आप HNO3 को रिएक्ट कराएंगे तो सबसे पहले ये वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, अपने में से एलिमिनेट कर देगा, जबकि बाकी का जो कंपाउंड है वो अभिक्रिया कर पिक्रिक अम्ल बना लेगा। बच्चों मैंने अंत में आपके सामने जो अभिक्रिया रखी वो सेंडमेयर अभिक्रिया थी, और इस तरह से मैंने आपको सेंडमेयर अभिक्रिया पूरी एक्सप्लेन की, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो के साथ इतना ही, और बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।